हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लर्न इंग्लिश युवराज यूट्यूब चैनल आपका लर्न इंग्लिश युतवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स टुडे वी विल सी प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेकंड ऑफ क्लास फिफ्थ आज हम क्लास फिफ्थ का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेकंड को फिल करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं मैं क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज और ट्रांसलेशन की वीडियो अलग अलग डालता हूँ तो आप उसे प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस चेस्ट पेपर सेकेंड नोट ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं ओरल यहाँ पर ओरल है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैंने आ, यहाँ पर पेंसिल से लिख दिया फर्स्ट है रिसाइट सिक्स लाइन्स ऑफ अ पोएम यू हैव रीड हमें अपनी क्लास में पोएम की छः लाइन को बोलना है जिसे आपने पढ़ी हो सेकेंड है पढ़ना है पूजा चारू भोला हनीफ रफीक एंड अनिल वर कमिंग बैक फ्रॉम भेड़ाघाट पूजा चारू भोला हनीफ रफीक और अनिल भेड़ाघाट से वापस आ रहे थे देवर बाय देअर टीचर मिसेज सिन्हा उनके साथ उनकी टीचर मिसेज सिन्हा थीं ऑल ऑफ देम केम टू भोपाल बाय नर्मदा एक्सप्रेस सभी नर्मदा एक्सप्रेस के द्वारा भोपाल आए फ्रॉम भोपाल दे हैड टू गो टू देयर प्लेसेस बाय बस भोपाल से उन्हें अपनी जगहों पर बस से जाना पड़ा से थर्ड है लिसन दी सेंटेंसेज केयरफुली एंड राइट हमें इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है और लिखना है महेश्वर इज ऑल्सो वेल नोन फॉर द कॉटन एंड सिल्क ब्रांडेड हैंडलूम साड़ीज़ महेश्वर को सूती और रेशम मिश्रित साड़ियों के लिए भी अच्छे से जाना जाता है वोवन वायदा लोकल वीवर्स स्थानीय बुनकरों द्वारा बुनी गई ये जो साड़ियाँ हैं उसके लिए भी महेश्वर को बहुत अच्छे से जाना जाता है दिस साड़ीज नोन एज महेश्वरी साड़ीज़ इन साड़ीज़ को महेश्वरी साड़ीज़ के नाम से भी जाना जाता है रिटर्न अब लिखने वाली क्वेश्चन है नोट ऑल आर कंपल्सरी सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज आंसर एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें इनमें से किसी पांच को करना है तो ये रहे आपके क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन फर्स्ट इज हु अलॉन्ग दाट्स पर कौन चल रहा था आंसर नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट्स नरेंद्र घाट्स के साथ चल रहा था वेयर क्वेश्चन सेकंड वेयर डिड द स्टूडेंट ऑफ क्लास फाइव मीट क्लास कक्षा पाँच के छात्र कहाँ मिले आंसर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्स फाइव मेट इन द प्ले ग्राउंड कक्षा पाँच के छात्र प्ले ग्राउंड में मिले खेल के मैदान में मिले क्वेश्चन थर्ड वॉट डिड नरेंद्र डू वेन द मंकी फॉलोड हिम जब बंदरों ने नरेंद्र का पीछा किया तब उसने क्या किया आंसर नरेंद्र इंक्रीज हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग नरेंद्र ने अपनी गति बढ़ाई और अंततः वह भागने लगा क्वेश्चन फोर व्हाट इज़ अ मल्टीमीडिया मीडिया लेसन मल्टी लेसन क्या है आंसर मल्टीमीडिया मीडिया लेसन यूजेज ऑडो विजुअल इफेक्ट अलॉन्ग विथ अ चांस फॉर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन देन एंड फाइंड द करेक्ट आंसर मल्टीमीडिया लेसन ऑडियो विजुअल इफेक्ट के साथ साथ बच्चों को उस पर काम करने का मौका देता है और सही आंसर को ढूंढने का क्वेश्चन फिफ्थ व्हेन डू वी सेलिब्रेट दिवाली हम दिवाली कब मनाते हैं आंसर वी सेलिब्रेट दिवाली ऑन द मंथ इन द मंथ ऑफ कार्तिक हम दिवाली कार्तिक के महीने में मनाते हैं क्वेश्चन सिक्स व्हाट वाज महेश्वर नोन एज इन एंशियंट हिस्ट्री पुराने इतिहास में इन महेश्वर को किस नाम से जाना जाता था आंसर महेश्वर वॉल नोन एज माहेशमती इन एशियंट हिस्ट्रिक महेश्वर को पुराने समय में या पुराने इतिहास में माहेश मती के नाम से जाना जाता था क्वेश्चन सेवन हु बिल्ट द महेश्वर फोर्ट महेश्वर फोर्ट किसने बनाया आंसर महेश्वर फोर्ट वॉज बिल्ट माई रानी अहल्या माई महेश्वर फोर्ट को रानी अहल्या भाई के द्वारा बनाया गया बी आंसर एनी टू और द्वेश्चन इनमें से हमें किसी दो को करना है ये रहे आपके आंसर क्वेश्चन फर्स्ट वाई इज द एटमोसफेयर जॉयफुल एवरीवेयर सभी जगह वातावरण खुशहाल क्यों है आंसर द एटमोसफेयर इज जॉयफुल एवरीवेयर ड्यू टू स्प्रिंग सीजन सभी जगह का वातावरण बसंत ऋतु के कारण खुशहाल है क्वेश्चन सेकंड व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू थैंक गॉड भगवान का शुक्रिया करने के लिए सबसे सरल तरीका कौन सा है आंसर प्रेयर इज द सिंपलेस्ट वे टू थैंक्स टू गॉड प्रिय प्रियार भगवान को धन्यवाद देने का सबसे आसान तरीका है यह सरल तरीका है क्वेश्चन थर्ड हु टू बिल्ड अ नेस्ट कवि ने किससे घोंसला बनाने को कहा आंसर पोइट आस्क द दर्डीज टू मेक नेस्ट नेकॉज स्प्रिंग इज कमिंग कवि ने पक्षियों से घोंसला बनाने कहा क्योंकि बसंत आ रहा है क्वेश्चन फोर हाउ डज द प्लांट फाइंड द आउटसाइड वर्ल्ड पौधा बाहर की दुनिया कैसे ढूंढता है आंसर द प्लांट सीड फाइंड आउटसाइड वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड रेन ड्रॉप्स दे गिव न्यू लाइफ टू इट पौधे का बीज बाहर की दुनिया ढूंढ लेता है सनलाइट धूप और बारिश की बूंदों की सहायता से वे उसे नई जिंदगी देते हैं क्वेश्चन सेकंड डू एज डायरेक्टेड जैसा है वैसा हमें करना है फर्स्ट चेंज अ फॉलोइंग इन टू फेमिला इनजेंडर हमें इन सबको फेमिला जेंडर में चेंज करना है ये अभी सब मशकिला जेंडर में है फर्स्ट है बॉय तो बॉय का फेमिला जेंडर होता है गर्ल बॉय मीन्स लड़का और गर्ल मीन्स लड़की सेकेंड है मैन मीन्स आदमी इसका हो जाएगा वुमैन मीन्स औरत थर्ड है हॉर्स मीन्स घोड़ा इसका हो जाएगा मेयर मीन्स घोड़ी फोर्थ है शेर इसका हो जाएगा शेरनी फिल इन द द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट पोलाइट एक्सप्रेशन गिवन इन ब्रैकेट्स हमें यहाँ पर पोलाइट एक्सप्रेशन दिए गए हैं उन्हें इधर लिखना है जो कि ब्रैकेट में है यहाँ फर्स्ट है कैन यू शो मी द वे टू स्कूल क्या आप मुझे स्कूल का रास्ता दिखा सकते हैं जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे हम लगाते हैं एक्सक्यूज़ मी जैसे कि एक्सक्यूज़ मी साइड प्लीज़ माफ़ करना क्या आप साइड हट है सकते हैं तो यह हम फर्स्ट लिख देंगे एक्सक्यूज़ मी पर सेकंड नाउ आई शैल फाइंड इट आउट अब मैं इसे ढूंढ लूँगा तो हम किसी से धन्यवाद करते हैं तब थैंक यू आता है थैंक यू नाव आई shall फाइंड इट आउट अब मैं इसे ढूंढ लूँगा शुक्रिया आपका अब मैं इसे ढूंढ लूँगा यहाँ थैंक यू के ऊपर सेकेंड लिख दीजिए थर्ड डैश आई डोंट नो मुझे नहीं पता आज सम्बडी एल्स जब भी हम किसी से माफ़ी मांगते हैं कोई हमसे कुछ पूछता और हमें नहीं पता होता तब तो हम पार्डन लगाते पार्डन आई डोंट नो आज सम्बडी एल्स माफ़ करना मुझे नहीं पता आप किसी और से पूछ सकते हैं यहाँ हम थर्ड लिख देंगे फोर्थ आई को गेट यू मैं तो आपको समझ नहीं सका जब हम किसी से माफ़ी मांगते हैं तब सॉरी का यूज़ होता है वहाँ पर पार्डन का यूज़ जब हुआ था जब हम किसी को पता नहीं है कोई हमसे पूछता है सॉरी आई कूडेंट गेट यू माफ़ करना मैं आपको समझ नहीं पाया यहाँ आ जाएगा फोर्थ थर्ड फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन ब्लो हमें इनके क्वेश्चंस बनाना है तो यहाँ पर फर्स्ट है सलमा एट मैंगोज सलमा एट आ मैंगो सलमा ने एक काम खाया तो यहाँ हम लिखेंगे हु एट आ मैंगो एक काम किसने खाया यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे सेकेंड स्वामी विवेकानंद वॉज आ ग्रेट सेंट स्वामी विवेकानंद एक अच्छे संत थे यहाँ हम क्वेश्चन बनाएंगे हु वॉज ग्रेट सेंट महान संत कौन थे थर्ड अनज टोल्ड गौतम अबाउट ईद अनीज ने गौतम को ईद के बारे में बताया तो यहाँ हम लिखेंगे हु टोल्ड गौतम अबाउट ईद गौतम को ईद के बारे में किसने बताया फोर्थ है कल्पना चावला वॉज एन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट थी यहाँ हम लिखेंगे एस्ट्रोनॉट कौन थी थर्ड तो चीन गिवन एड्जेक्टिव इन टू एडवर्ब यहाँ पर एडजेक्टिव दिए गए हैं इन्हें एडवर्ब में बदलना है फर्स्ट है शार्प तो शार्प का हम बनाएंगे शार्पली नेक्स्ट है बेड तो बेड का हम बनाएंगे बेडली नेक्स्ट है ब्राइट तो हम ब्राइट का बनाएंगे ब्राइटली और लास्ट है हैप्पी तो हम हैप्पी का बनाएंगे हैप्पीली जब हम हैप्पी को चेंज करेंगे एडवा में तो उसका हम वाई हट के आई आ जाएगा एच ए डबल पी आई एल वाई हैप्पीली फूर्थ है राइट एंड एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपने हेड मास्टर को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखिए तो यह रहा आपका सर्टिफिकेट टू द हेड मास्टर सेंटर्स आर एस पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं गंज बाजुदा मध्य प्रदेश यहाँ आपने सिटी का नाम लिख सकते हैं डेट है ट्वेंटी नाइन जून टू थाउन ट्वेंटी थ्री सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट

और या फिर हम लिख सकते हैं राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड विजय इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज या हम अपने फ्रेंड विजय को अपनी सिस्टर के मैरिज के बारे में एक लेटर लिखना है ये रहा आपका लेटर फोर्टी फाइव गांधी सिटी यहाँ आप अपना एड्रेस डाल दीजिए गंज बासुदा आपकी जो भी सिटी हो ट्वेंटी फोर्थ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री डियर विजय यू विल बी हैप्पी टू नो दैट माई सिस्टर्स मैरिज विल बी ऑन ट्वेंटी नाइन जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री आई विल भी हैप्पी इफ़ यू कम इफ़ यू कम हेयर एंड अटेंड मैरिज विद अस मोस्ट ऑफ प्रिप्रेशंस हैज़ डन यू कम एटलीस्ट थ्री डेज बिफोर मैरिज एंड देन एज यू विश प्लीज़ कन्वे माई रिगॉ टू आंटी एंड अंकल एंड लव टू योर लिटिल सिस्टर खनक योर बेस्ट फ्रेंड युवराज यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं फॉलोइ इनमें से किसी एक पर पांच वाक्य लिखना है तो ये रहे आपके सेंटेंसेज फर्स्टर भोला थे। स्वादर, भोला वहाँ अपने पिता के साथ गया सेकेंड ही सो नंबर ऑफ टेम्पल्स एंड घाट्स उसने बहुत सारे मंदिर और घाट देखे थर्ड ही सो द होली रिवर नर्मदा उसने पवित्र नदी नर्मदा को देखा फोर्थ ही रीज देर बाय बस वह वहाँ पर बस के द्वारा पहुँचा फिफ्थ ही सो मैनी फोर्थ देयर बट ही लाइक द महेश्वर फोर्ट वेरी मच उसने बहुत से किले देखे लेकिन उसे सिर्फ महेश्वर का फोर्ट ही सबसे अच्छा लगा फर्स्ट सिमरन सेलिब्रेटेड गुरु पर्वा सिमरन ने गुरु पर्वा मनाया सेकेंड शी वेंट गुरुद्वारा इन द मॉर्निंग वह सुबह गुरुद्वारा गई थर्ड शी मेट ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव देयर वह अपने सभी दोस्त और रिश्तेदारों से वहां मिली फोर्थ शी ऑफर्ड हर प्रेयर एंड टुक द प्रसाद उसने अपनी प्रार्थना की और प्रसाद लिया फिफ्थ देन शी पार्टिसिपेटेड इन लंगर तब उसने लंगर में भाग लिया फर्स्ट माई स्कूल बिल्डिंग इज वेरी बिग मेरी स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी है सेकेंड देयर इज अ प्ले ग्राउंड इन इट उसमें एक खेल का मैदान है थर्ड देयर आर फोर्टी रूम्स इन इट इसमें चालीस कमरे हैं फोर्थ वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टूगेदर इन द स्कूल हम विद्यालय में साथ में त्यौहार मनाते हैं फिफ्थ देयर इज़ अ बिग लाइब्रेरी वहाँ पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है फर्स्ट शी गेट्स अप एट फाइव थर्टी एम वह साढ़े पाँच बजे उठती है सेकेंड शी टेक्सम ऐट सेवन ए एम वह सात बजे नहाती है थर्ड शी गोस्ट टू स्कूल एट सेवन थर्टी ए एम वह साढ़े सात बजे स्कूल जाती है फोर्थ शी कम्स बैक फ्रॉम स्कूल एट टू पी एम वह स्कूल से दो बजे आती है फिफ्थ शी गोज टू बेड एट नाइन पी एम वह नौ बजे सोने जाती है सिक्स्थ रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन ब्लू इट इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर करना है पहले इस पैसेज को पढ़ना है और टैक्सी ड्राइवर टेक्स अस वेयर वी वांट टू गो एक टैक्सी ड्राइवर जहां हम चाहते हैं वह हमें ले जाता है वी पे हिम मनी टू गो इन हिज टैक्सी हम उसे पैसे देते हैं उसकी टैक्सी में जाने के लिए इट इज़ द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ सिटी और टाउन यह एक बहुत कॉमन ट्रांसपोर्ट है सिटी या फिर एक टाउन में शहर में एज द टैक्सी ड्राइवर सर्व आवर सोसाइटी जो टैक्सी ड्राइवर है वह हमारे समाज की सेवा करता है सो डज द लॉरी ड्राइवर इसी तरह से जो लॉरी ड्राइवर है वह करता है आ लॉरी ड्राइवर कैरी थिंग्स फॉर अस इन हिज लॉरी एक लॉरी ड्राइवर लॉरी में चीजों को ले जाता है इन दिस वे ही मेक्स अवर लाइफ कंफर्टेबल इसी तरह से वह हमारी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाता है आरामदायक बनाता है द पायलट इज़ ऑल्सो लाइक अ ड्राइवर पायलट भी एक ड्राइवर जैसा ही है ही फ्लाइज एन एरोप्लेन वह एक एरोप्लेन उड़ाता है हिज जॉब इज मोर डिमांडिंग एंड डिफिकल्ट उसकी जॉब बहुत डिमांडिंग है और डिफ़िकल्ट है मीन्स बहुत उसकी मांग है और डिफिकल्ट है कठिन है द कैप्टन एंड इज़ सेलर्स चे का शिप अक्रॉस द सी कैप्टन और जो सीलर्स हैं उसके साथ ही वह समुद्र के उस पार जहाज़ ले जाते हैं द मैन हु ड्राइव द ट्रेन इज नॉट अ कैप्टन और अ पायलट बट एन इंजन ड्राइवर एक आदमी जो कि ट्रेन चलाता है वह ना ही एक कैप्टन है या एक पायलट है लेकिन एक इंजन ड्राइवर है अब क्वेश्चन फर्स्ट है वॉट डर ट्रैक्टी टैक्सी ड्राइवर डू इसका आंसर हमको मिलेगा अ टैक्सी ड्राइवर टेक्स अस वेयर वी वॉन्ट टू गो ये हो जाएगा आंसर फर्स्ट इसमें पूछा था कि टैक्सी ड्राइवर क्या करता है तो आंसर लिखा अर टैक्सी ड्राइवर टेक्स अस वेयर वी वॉन्ट टू गो एक टैक्सी ड्राइवर हमें ले जाता है जहाँ हम चाहते हैं हु कैरीज द थिंग्स फॉर एस हमारे लिए कौन सामान ले जाता है आंसर हो जाएगा लॉरी ड्राइवर से आप हाँ लिखिए लॉरी ड्राइवर कैरी सिंग्स फॉर अस इन हिज लॉरी एक लॉरी ड्राइवर हमारे लिए चीज़ों को ले जाता है उसकी लॉरी में आंसर सेकेंड थर्ड वॉट इज अ पायलट एक पायलट क्या है द पायलट इज ऑल्सो लाइक अ ड्राइवर ही फ्लाइज एन एरोप्लेन यहाँ तक आप टिक कर लीजिए ये हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड मीन्स एक पायलट भी ड्राइवर जैसा है जो कि एक एरोप्लेन उड़ाता है यह थर्ड हो जाएगा। फोर्थ वे आर डल शिप सेल जो शिप है वह कहाँ सेल करती है मीन्स कहाँ तैरती है तो इसका आंसर हम लिखेंगे द शिप सेल इन सी तो जो शिप रहती हैं वह समुद्र तो में तैरती हैं फिफ्थ अ आटेबल टाइटल टू द पैसेज इस पैसेज को एक सूटेबल टाइटल देना है जिस पर सूट करे इसको हम टाइटल दे सकते हैं ड्राइवर्स ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स अलग अलग व्हीकल्स के ड्राइवर्स uh, जो उन्हें चलाते हैं ओके फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड द प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेकंड इफ यू लाइक डिट्स एंड सब्सक्राइब आई बाय नाइस